ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 6:09। यहाँ शांति अच्छी रहती है, बाबा का मतलब कहाँ से है? मधुबन में शांति अच्छी रहती है, शहर में बाहर का आवाज बहुत होता है, वो शांति को डिस्टर्ब करते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, बाप को याद करना है तो भल कितना भी आवाज हो तुम याद कर सकते हो। क्योंकि याद अंदर की चीज है और आवाज बाहर का है, और तुम्हारी है अंदर की बुद्धि की याद। हाँ, आवाज की खिट खिट मुरली सुनने में हो सकती है, बाकी याद में नहीं हो सकती। बल नगारा बजता रहता है, तुम दफ्तर में बैठे हो, कितना भी हंगामा हो फिर भी तुम बाप को याद कर सकते हो। बाकी घमासान में मुरली नहीं सुन सकते। याद कर सकते हो, ये प्रैक्टिस भी तुम बच्चे ही कर सकते हो। सटोरी सट्टे लगाते हैं, वहां तो आवाज बहुत होता है, कोशिश करके देखो कि हम अपन को आत्मा समझ बाप को याद कर सकते हैं। ये याद ही मुख्य है, ये पावन बनने की बात है ना। जितना जो पावन बनेंगे अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से औरों को भी पावन बनाते रहेंगे, और मुक्ति देते रहेंगे। याद से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति होती है। और धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स उतना ज्ञान नहीं सुनते हैं, याद में तीखे होते हैं। तो उन्हें मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति तो नाम मात्र,
एक जन्म के लिए मिलती है। तो ज्ञान से जीवन मुक्ति अनेक जन्मों की प्राप्त कर सकते हो, और याद से इस संसार के बंधनों से जल्दी मुक्ति पाप पा सकते हो। तो कोई भी धर्म वाला हो उसको याद कराते रहो, क्योंकि पवित्र बन करके बाप से मिलते हैं। बच्चों को मालूम है, कराची में बताया था, सभी धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो आकर के मिलेंगे। और बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ये काम पूरा हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि अभी तो देवी देवता सनातन धर्म की ही स्थापना नहीं हुई है। और धर्म वाले भी आकर के बाप के सामने माथा झुकावेंगे। कुछ न कुछ महावाक्य भी सुनेंगे। बाकी सिर्फ बाप को याद करेंगे, जिससे फिर अपने धर्म में ऊंच पद पावेंगे। फिर भी बाप तो सभी का सदगति दाता है। कम से कम एक जन्म की सदगति तो सभी को देते हैं। अखबार में भी तुम्हारा ज्ञान जाना है, ऐसे नहीं कि तुम पैसे देंगे तब जाना है। नहीं, अखबार वाले आप ही छापेंगे। और ये तुम्हारे चित्र जो बाबा ने साक्षात्कार से बनवाए हैं वो भी अखबारों में पढ़ेंगे। लिखेंगे कि अपन को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। ये देह तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अपन को आत्मा समझ, अविनाशी आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा को याद करो। तो सभी के विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि वो परमपिता परमात्मा कभी भी विकर्म नहीं करता है।
सृष्टि पर आता भी है, पतित सन में आता है, पतित दुनिया में आता है, बंदरों जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच आता है। तो भी विकर्म नहीं करता, वाचा से भी नहीं, दृष्टि से भी नहीं, कर्मेंद्रियों से भी कोई को दुख देने का विकर्म नहीं करता। क्योंकि वो तो इच्छा मात्रम अविद्या है सदा काल के लिए, इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। ऐसे बाप को याद करेंगे तो जैसे को याद करेंगे वैसी आत्मा की स्टेज बन जाएगी, अर्थात तुम मुक्ति को पा सकते हो। वो बाप सब पतितों को पावन बनाने वाला है, उनकी महावाक्य है जो मुझे निरंतर याद करेंगे उनके जन्म जन्मांतर के पाप कट सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें अखबार में पढ़ेंगी अभी तो अखबारों में फालतू बातें बहुत पड़ती हैं। तुम्हारी तो इन ज्ञान की बातों से कमाई होती है और ये कमाई भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए है। ऐसे नहीं कि भगवान बाप से सिर्फ 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, नहीं, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है। जो यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो तीव्र गति से अथवा मध्यम गति से या धीमी गति से, वो पुरुषार्थ करने के संस्कार तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी जाते हैं। वहां भी तीव्र पुरुषार्थी, मध्यम अथवा धीमे पुरुषार्थी के रूप में अभी के संस्कारों के अनुसार कार्य करेंगे। कोई कोई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी रहेंगे जो एक जन्म में ही रंक से राजा बन जावेंगे, महाराजा बन जावेंगे। तो अभी तुम विनाशी धन की कमाई नहीं कर रहे हो, ये ईश्वर का दिया हुआ विनाशी ज्ञान धन है। जो 84 जन्म भी काम आवेगा,
अभी तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हो। द्वापर युग में ऐसे नहीं समझेंगे कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए हम अच्छे कर्म करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं वो स्वर्गवासी बनेंगे, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब इस अंतिम 84वें जन्म में अथवा कहो संगम युग में उदय होता है। तिरसठ जन्मों की अच्छी रील घूमती है तो अच्छा पुरुषार्थ होता है, और 63 जन्मों की खराब रील घूमती है तो कितना भी चाहे पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो पाता। हाँ, पुरुषार्थ करने वाले स्वर्गवासी जरूर बनते हैं। बाप ऐसी नालिश सुनाते हैं जो नंबरवार पास होते हैं। नंबरवार पास होने की लॉटरी मिलती है। स्वर्ग में ऊंचा अथवा नीचा पद पाने की लॉटरी जरूर मिलती है। कोई को महाराजा बनने की लॉटरी, कोई को महारानी बनने की लॉटरी, कोई राजा बनते हैं, कोई रानी बनते हैं, कोई राज परिवार में ऊंचे ऊंचे अधिकारी बनते हैं। कोई फिर दास दासी बन पड़ते हैं, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा वर्ग में जावेंगे, कोई सेकंड क्लास प्रजा बनेंगे, कोई थर्ड क्लास प्रजा भी बन पड़ेंगे। कोई तो बड़े बड़े साहूकार बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ खूब ज्ञान धन देते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, लॉटरी मिलती है, कोई 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 स्कॉलरशिप भी मिलती है। जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए बहुत सहज हो जाता है। जो बड़े बड़े बच्चे हैं, सयाने हैं, वो समझ सकते हैं कि ये बच्चा वारसदार है। बाकी खुद बच्चा तो समझ नहीं सकता। अभी तुम तो हो ही बालिग। बाप का निश्चय हुआ, डायरेक्शन मिलेंगी,
84 जन्मों के चक्र को याद करो और बाप की याद में रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये तुम्हारी शरीर रूपी नैया भी है, बेड़ा भी है। तुम्हारे शरीर में कर्मेंद्रियां भी है। इस बेड़े का खेवैया चाहिए जो पार लगाए, परमपिता परमात्मा को खेवैया कहा जाता है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, कृष्ण को खेवैया अथवा बागवान नहीं कहेंगे, बागवान बाग लगाने वाले को कहा जाता है। भगवान खेवैया भी है, बागवान भी है। तुम्हारी नैया को खे करके पार ले जाते हैं। इसलिए हरेक पुकारते हैं हमारी नैया पार लगाओ। इस नार की दुनिया से उस पार, सड़क की नई दुनिया में ले जाएंगे। पार का अर्थ ही है मुक्ति, उस धाम का नाम ही है पारलोक। जहाँ जन्म जरा मरण से मुक्ति मिल जाती है, भक्ति में तो पुकारते रहते हैं, याद करते रहते हैं, स्तुतियां करते रहते हैं। जिनके सामने करते हैं वो तो जड़ चित्र होते हैं, कहाँ भक्ति मार्ग में। इसलिए प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, और यहाँ तो प्राप्ति होती है। जड़ चित्र से प्राप्ति होती है क्या? संगम युग में तो चैतन्य में बाप आता है, और तुम भी चैतन्य में खड़े हो। तो बाप कितना सहज समझाते हैं तुमको, इतना साहूकार बनाए देते हैं, कहते हैं तुमको कितना राजभाग दे करके गया, फिर तुमने वो सारा कहाँ गंवाई दिया। भारत सोने की चिड़िया थी, तुम विश्व के मालिक थे। ऐसी सोने की चिड़िया स्वतंत्र उड़ने वाली चिड़िया थी, कोई विदेशी बंधन में बांध नहीं सकता। ऊंची स्टेज में उड़ने वाली थी, तुम सारे विश्व के मालिक थे।
कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो देखो तुम्हारे हीरे जवाहरात आदि सब छीन करके ले गए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति मार्ग में माया ने तुमसे सब छीन लिया, फिर भी भक्ति मार्ग में होगा। वेद के बाप कहते हैं, मेरे बच्चे तुम काम चिच्छा पर चढ़ करके काले हो गए हो, फिर मुझे गोरा बनाने के लिए आना पड़ता है। तुम अचेत हो गए हो, मुझे जगाने आना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान थी, मैं आकर के सतो प्रधान बनाता हूं। अभी फिर तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनेंगे, उसके लिए याद की यात्रा चाहिए। और याद भी प्रैक्टिकल चाहिए। याद उसको किया जाता है जो कोई अच्छे कर्म करके गया हो। रावण को कोई नहीं याद करता। राम को याद करते हैं। तो याद आती है कनेक्शन रखने से। आंखों से भी जिसको देखते हैं वो याद आता है, और इंद्रियों से भी कनेक्शन रखा जाता है तो याद आता है ना। तो बाप के साथ कनेक्शन रखना है। कनेक्शन कनेक्ट करने को कहा जाता है। भगवान वाच पर विश्वास रखना होता है। एक भगवान ही दुनिया में सत्य है, बाकी तो इस दुनिया में सब झूठ। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, हिंदू लोग भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य अविनाशी होता है, झूठ का विनाश होता है। झूठ नीचे ऊपर होता है, सत्य तो अटल रहता है। वो बाप है ही सत्य। सच्चा बाप जब आते हैं तभी बाप खास भारत को सचखंड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि विदेशी और विधर्मी झूठे ही रहते हैं, नहीं, उनको भी सच्चा बनाती है। बाकी खास भारत को सचखंड बनाते हैं और कहेंगे आम दुनिया को सचखंड बनाते हैं, क्योंकि भारत झूठ है तो सभी झूठ, झूठ खंड और सच खंड इनको ही कहते हैं।
और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। परंतु ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। कोई बोले कि भगवान बाप सिर्फ भारत में ही आते हैं क्या? बोलो। हाँ, पहले पहले भारत ही पवित्र खंड था, यहाँ पवित्र देवताओं का राज्य था। अभी वो भारत संघ के रंग से अपवित्र बन गया है। अपवित्र होने के कारण पीस और प्रॉस्पेरिटी भी खलास हो गई है। पहले पावन था तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी, अभी अपवित्र है। पहले धन आदि सभी कुछ था, अभी भारत की धरणी पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करती रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पावन दुनिया में हम राज्य करती थी, पावन दुनिया में राइटियस बनाने वाला हमारा एक ही बाप है जो अभी आया हुआ है, और वो 21 जन्मों के लिए हमको राइटियस बनाई देते हैं। ये भी समझाना पड़े कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, अगर कृष्ण को गीता का भगवान मान लिया, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को गीता का भगवान मान लिया, तो भगवान सर्वव्यापी भी मानना पड़ेगा। बाप तो कहते हैं मैं सर्वव्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ। एक को याद करने से सदगति होगी, दो चार या सबको याद करने से सदगति नहीं हो सकती। सर्वव्यापी का ज्ञान सुनते सुनते सारी दुनिया की दुर्गति हो गई, सबकी बुद्धि बिखर गई। अभी फिर मैं एक व्यापी होकर आया हूँ, वो एक व्यापी भगवान ही आकर के राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो कृष्ण और ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, वो कृष्ण को ही गीता का साकार भगवान समझ लेते हैं, और वो ही बात सारी दुनिया को सुनाते रहते हैं। उनसे पूछा जाए, वो कृष्ण और सब ब्रह्मा कहाँ है? वो खुद ही मनुष्य से देवता नहीं बना, तो औरों को कैसे बना देगा? वास्तव में कृष्ण की आत्मा तो इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है,
उस पत्ते को जन्म देने वाला बीज बाप कोई और है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। उस बाप को ही हिंदू और मुसलमानों में गॉड फादर के साथ मिलाई दिए है। हिंदुओं में कहते हैं शिव शंकर भोलानाथ, और मुसलमानों में कहते हैं अल्लाह अकबर। और कोई के नाम को गॉड फादर के साथ मिक्स नहीं किए हैं। कोई कहे क्रिश्चियन ने क्यों नहीं ऐसे बोला, अरे क्रिश्चियन और क्राइस्ट की तो, क्राइस्ट और कृष्ण की तो राशि मिलाई जाती है, वो तो चोर चोर मौसेरे भैया हो गए। वो क्यों कहेंगे अल्लाह अकबर, शिव शंकर भोलेनाथ, वो नहीं कह सकते। कृष्ण के फॉलोअर्स कृष्ण को भी डुबोते हैं और खुद भी डूबते हैं। अभी उन्हें भी बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। बाप निराकार है। ज्योति बिंदु आत्मा है। वो ज्योति बिंदु आत्मा भी कोई साकार शरीर का आधार लेती है। तो डबल है, सिंगल नहीं है। इसलिए याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। तो बाप को याद करेंगे जो निराकार और साकार का मेल है, तभी सदगति होगी। सदगति शरीर के साथ होती है। आत्मा की गति पाने के लिए शरीर की दरकार नहीं। शरीर को त्याग करके आत्मा गतिशील होकर के ऊपर उड़ती है। तो गति मिल जाती है, परंतु वो सच्ची गति नहीं है, क्योंकि कोई भी आत्मा ये नहीं चाहती। हम आत्मा सदैव के लिए लीन हो जावे, सुख दुख से दोनों से परे हो जावे। हर आत्मा के अंदर की आवाज है कि हमें सुख मिलना चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए। परंतु अशांत और दुखी आत्मा की पहली आवाज है हमें शांति चाहिए। जैसे किसी को बुखार आता है, उसके सामने अच्छे अच्छे रसगुल्ला आदि व्यंजन रख दो, बिल्कुल पसंद नहीं आवेंगे। अशांत और दुखी आत्मा को ये चीजें शांत नहीं कर सकती। पहले शांति चाहिए। पर जब बुखार उतर जाता है, शांति मिल जाती है, तब अच्छा अच्छा खाने की दिल होती है। तो पहले मुक्ति
और फिर मुक्ति के बाद आत्मा को चाहिए जीवन मुक्ति। कोई आत्मा नहीं चाहती कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर तो आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं कही जा सकती। फिर तो जैसे कि आत्मा का विनाश ही हो गया, आत्माएं सब अलग अलग हैं और सब आत्माओं में अपने अनेक जन्मों के रिकॉर्ड भरे हुए हैं और वो रिकॉर्ड अविनाशी है, कभी भी विलीन होने वाला नहीं है। तो बाप भी कहते हैं कि जब मैं ही सृष्टि पर कल्प कल्प आता हूं तो आत्माएं सदाकाल के लिए मुक्त कैसे हो सकती। और एक बाप को याद करना, टीचर को याद करना, गुरु को याद करना, ये तो तुम जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। जो अनेक बार की प्रैक्टिस है वो तो सहज होनी चाहिए। और जन्मों में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है, और यहाँ तो और ही सहज है क्योंकि वो बाप भी है, वो ही पर्सनालिटी टीचर भी है और वो ही पर्सनालिटी गुरु भी है। बाप से वर्षा मिलता है, हर बच्चे को कुछ न कुछ वर्षा जरूर मिलता है। पहली पहली बात, बाप पावन बनाते हैं। आमदनी बहुत होती है तो पावन क्यों नहीं बनेंगे। ऐसे पावन बनने वालों में बच्चों को कल्प कल्प प्राप्ति होती है। अच्छा, गुड नाइट। अच्छा, प्रातः क्लास है, सात नौ अड़सठ का। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बच्चों का नाम क्या है? जो रूहानियत की स्टेज में रहते हैं, रूहानियत की स्टेज में रहने वाले बच्चों का नाम है ब्राह्मण, क्योंकि रूहानी बाप जिस तन में आते हैं जो सदैव रूह की स्टेज में रहने वाला बाप है, उस तन में आकर उसका नाम देता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मुख से जो भी इस रूहानी नॉलेज को सुनते हैं, रूह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें ही रूहानी बच्चे कहा जाता है। जो रूह की याद में रहते हैं,
ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण ब्राह्मण कहे जाते हैं। ये दूसरी बात है कि कोई बच्चे रूहानी स्टेज को धारण नहीं कर पाते, जन्म जन्मांतर के देवान के संस्कार जबरदस्त अटे पड़े हैं, तो अभी भी पूछते रहते हैं बिंदी आत्मा को कैसे याद करें। ऐसे बच्चे रूह को नहीं याद करते, ब्रह्मा की देह को याद करते हैं। ब्राह्मणों की देह को याद करते हैं, ब्रह्मा की गोद को याद करते हैं, इसलिए उनको मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी ब्राह्मण तो सब हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ढेर के ढेर हैं। ये ढेर की ढेर संख्या ये साबित करती है कि ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर अडॉप्टेड होंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, और चिल्ड्रंस बहुत हैं, बहुत बच्चे होते हैं एक प्रजापिता ब्रह्मा को। और एक परमपिता परमात्मा शिव को, तो जरूर इनका आपस में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है इनका? इनका माने प्रजापिता ब्रह्मा का और परमपिता शिव का क्या कनेक्शन है? क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनके कह के दूर कर दिया, उनके बच्चे हैं रूहानी बच्चे, किनके जिनको दूर कर दिया, भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है, जब रुद्रमाला तैयार होती है, वो रुद्रमाला रूहानी बच्चों की यादगार है। जो रूहानी बच्चे रूहानी बाप को देखते हैं ब्रह्मा में, ब्रह्मा के शरीर को देखने वाले नहीं है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई आवाज ब्रह्मा की नहीं समझते हैं, किसी समझते हैं? देहधारी गुरु की आवाज नहीं समझते हैं, किसकी आवाज समझते हैं? है निराकार परमपिता शिव की आवाज समझते हैं, जो ऊंचते ऊंचे है, वो रूहानी बच्चे हैं।
रुद्र शिव के बच्चे हैं, रुद्रमाला के बच्चे हैं। और इनके हैं जिस्मानी ब्राह्मण बच्चे, किनके? उनके नहीं, इनके जो बाजू में बैठा हुआ है, जिस्मानी ब्राह्मण बच्चे माना कौन? जो जिस्म की स्टेज में बैठे हैं और ब्रह्मा के जिस्म को याद करते हैं, ब्रह्मा की गोद को याद करते हैं, ब्रह्मा की गोद में लीन हो जाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में उनकी यादगार है ब्रह्मलीन स्वामी जी। जो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जावेंगे, अगर उनके हैं तो आपस में क्या संबंध हुआ? इनके नहीं, अगर उनके हैं किसके? प्रजापिता के थ्रू परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, तो आपस में क्या संबंध हुआ? भाई भाई, रुद्रमाला के मन के सब आपस में भाई भाई, क्योंकि भाई बहन के संबंध में भी विकारी वासनाएं आती हैं, इसलिए भाई भाई। उनको कहेंगे शिव बाबा के बच्चे, न ब्रह्मा के बच्चे और न प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। किनको? जिनकी बुद्धि में प्रजापिता और ब्रह्मा रहता है वो इनके बच्चे हैं, वो फिर साकार में क्या संबंधी बन जाते हैं? भाई बहन बन जाते हैं। ऐसे तो भाई बहन का क्रिमिनल नाता कब होता नहीं है, परंतु जानवरों में, भाई बहन में भी क्रिमिनल नाता हो जाता है। तुम्हारे लिए आवाज होता है, ये सभी को भाई बहन बनाते हैं, परंतु बनाते कौन है? ये तो ढेर के ढेर है। इससे सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा उन्हों को भाई बहन बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि भाई बहन का शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म में ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य में कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं बनेगी, 21 जन्म तक। ऐसे नहीं, कि वहां बहन भाई समझते हैं जीवन भर, नहीं, वहां तो जैसे कि महाराजा महारानी होते हैं,
वैसे ही होते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। ये प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है, अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अभी हमारा ये कोई धर्म नहीं है, तो क्या है हम ब्राह्मणों का ये धर्म नहीं है तो क्या है? ब्राह्मणों का कुल है, ये ब्राह्मण कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। ये नई बात है, तो इस बात को समझाना होता है। तुम समझाते भी हो कि हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, जबकि हम सभी भाई भाई आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्मिक स्थिति में है अर्थात आत्मा है तो उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे, अडॉप्टेड माने रचना, अडॉप्ट करने वाला हो गया रचयिता, प्रजापिता हुआ रचयिता और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए रचना। आत्मिक रूप में हम उनकी संतान अनादि हैं, क्योंकि आत्माएं अनादि हैं, आत्माएं अविनाशी हैं, आत्माएं रची नहीं जाती हैं। जैसे पांच तत्व अथवा कहो मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व अनादि है, कभी भी लोप नहीं होता है, परंतु मिट्टी से घड़ा बनाया गया तो घड़े को अनादि कहेंगे नहीं, घड़ा रचना है, बनाने वाला कुमार रचयिता है। तो हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान अनादि हैं, वो परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल एक है और कोई भी सोल को सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे, कोई भी आत्मा ऐसा सुपरमेसी का पार्ट नहीं बजा सकती। सुप्रीम कहा जाता है एवर प्योर को, उसकी प्योरिटी को कभी कोई क्रॉस नहीं कर सकता, वो सदा पवित्र है, सदा पवित्र था,
और सदैव ही पवित्र रहेगा। उसको कोई भी संग का रंगा पवित्र नहीं बना सकता। और जो भी आत्माएं हैं वो संग के रंग में अपवित्र बन जाती है, कोई कम और कोई ज्यादा। बाकी संग का रंग सभी आत्माओं को जरूर लगता है, अर्थात सब आत्माएं एक दूसरे से प्रभावित हो जाती है। एक ही सुप्रीम सोल है जो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी में अविनाशी प्योरिटी है, कहेंगे अविनाशी प्योरिटी होती तो अंतिम जन्म में भी पवित्र होना चाहिए। परंतु अंतिम जन्म में ये सारी दुनिया में सब अपवित्र है। एक ही परमपिता परमात्मा है जिसमें अविनाशी प्योरिटी है, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। जिससे सारी दुनिया प्योरिटी सीखती है। और प्योरिटी सीखते भी कब है? इस संगम युग पर ही सब प्योरिटी सीखते हैं उस परमपिता परमात्मा से, जबकि वो आकर के इस सृष्टि पर आत्माओं से मिलता है। इसलिए इस युग को आत्मा और परमात्मा का मेल का संगम कहा जाता है। ओम शांति।